देखिए, एक शब्द है अशांति। तो स्टूडियो में अशांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं शब्द को क्या मतलब होता है अशांति का, समझिए। देखिए, अशांति का मतलब होता है उधम, शोरगुल, धमा चौकड़ी, हलचल, खलबली, उपद्रव, अस्थिरता, तोड़फोड़, कोलाहल, क्रांति, क्रम भंग, आंदोलन, उत्पात, हुल्लड़, हुड़दंग, अराजकता, मतलब अशांति। इंग्लिश में अशांति को बोलते हैं अनरेस्ट, लैक ऑफ रेस्ट, अरेस्टलेस, डिसरप्शन, डिस्टरबेंस, एजिटेशन, अपसेट, ट्रबल, टर्मोइल, डिसऑर्डर, केओस, एनार्की, एंग्जाइटी, अप्रोर एंड एटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं अशांति के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं, जिसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे हम लोग, कि सामाजिक अशांति अर्थव्यवस्था के लिए खराब है। मतलब इंग्लिश में सोशल अनरेस्ट इज बैड फॉर द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था और सोशल अनरेस्ट का मतलब सामाजिक अशांति। दूसरा एग्जाम्पल है कि और अशांति अज्ञानता के कारण होती है, मतलब इंग्लिश में एंड डिस्टर्बेंस इज कॉज्ड बाय इग्नोरेंस। ठीक है, तो मैंने अपने अशांति शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।